शुएब अख्तर की कुछ खतरनाक बाउंसर। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, वीडियो को जरूर स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। चलते दोस्तों वीडियो की तरफ। नंबर वन पर जो शुएब अख्तर का खतरनाक बाउंसर आ जाता है दोस्तों, वो इन्होंने किया था एक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन एक कवर ड्राइव चौका मार देता है, लेकिन उसके बाद शुएब अख्तर को कुछ बातें कहता है। तो शुएब अख्तर तो उसके बाद फिर मैं आपको कैसे बताऊं, डायरेक्ट बाउंसर कर देता है और उसको इंजरी करता है। फिर दोबारा अंपायर उसको कहता है कि तुम चुप हो जाओ। शुएब अख्तर को गुस्सा आया है, फिर शुएब अख्तर ने दोबारा उसको मारा और वो रिटायर हट हो गया। दूसरे नंबर पर दोस्तों जो बैट्समैन है वो वेस्ट इंडीज का एक लेजेंड क्रिकेटर है, ब्रायन लारा। दोस्तों ब्रायन लारा को 2003 के चैंपियन ट्रॉफी में शुएब अख्तर ने इस तरह मारा था कि वो डायरेक्ट ही इंजरी और स्टेडियम छोड़कर चला गया था, रिटायर हट हो गया था। दोस्तों ये भी एक ऐसा बाउंसर था कि ये क्रिकेट के इतिहास में आज तक लिखा हुआ है दोस्तों, ये ब्रायन लारा और शुएब अख्तर का ये जो बाउंसर वगैरह है। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर आ जाता है दोस्तों इंडिया का सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर बहुत बेहतरीन बैट्समैन था, कोई भी आपको मैं कैसे बताऊँ, कोई भी बॉलर था वो सचिन तेंदुलकर को बिल्कुल ही एक ऐसा आम बॉलर लगता था, लेकिन शुएब अख्तर ने एक दफ़ा सचिन तेंदुलकर को 2005 में ही पाकिस्तान में एक दौरा था और टेस्ट सीरीज चल रहा था, तो पाकिस्तान के पहले बैटिंग हुआ था, लेकिन दूसरे बैटिंग में शुएब अख्तर ने जब सचिन तेंदुलकर को मार दिया तो वो आप लोग के सामने दोस्तों ये भी एक ख़तरनाक बाउंसर था जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। उसके बाद दोस्तों आ जाता है इंडिया का गंगुली। दोस्तों गंगुली को ये एक बाउंसर किया था और डायरेक्ट ही गंगुली को यहां पर पेट पर मार देता है और गंगुली भी रिटायर हट यानी कि इंजरी हो जाता है और ग्राउंड छोड़कर चला जाता है। तो दोस्तों ये भी एक ऐसा बाउंसर था जो कि शुएब अख्तर ने गंगुली को किया था और ये क्रिकेट के हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है आजकल भी। ये एक गंगुली एक ऐसा ओपनर था इंडिया का दोस्तों कि मैं आपको कैसे बताऊं दोस्तों, इतना बेहतरीन, लेकिन शुएब अख्तर ने भी इसको भी रिटायर हट किया था। इसके बाद दोस्तों आ जाता है दोस्तों गैरी क्रिस्टन। आप लोग इसको जानते भी है, पाकिस्तान का आजकल का कोच भी है, लेकिन शुएब अख्तर ने इसको मारा था सर पर ही और वो डायरेक्ट उससे भी खून भी निकला था, आप लोग तस्वीर और वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों आप लोग के सामने है। तो शुएब अख्तर के ये पांच जो बाउंसर है जो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिए दोस्तों, इतने खतरनाक बाउंसर मैंने क्रिकेट में कभी भी नहीं देखे हैं और शुएब अख्तर की तरह शुएब अख्तर जैसा बॉलर क्रिकेट में आ ही नहीं सकता, ये मैं आपको बता सकता हूं दोस्तों। 161.3 के पीएच बॉल शुएब अख्तर, मोस्ट डेंजरस बाउंसर शुएब अख्तर, द पेंडी एक्सप्रेस, द किंग, द लेजेंड, द मिथ, द पेंडी एक्सप्रेस, द रावल पेंडी एक्सप्रेस। टोनी ग्रेग कहा करता था कि रावल पेंडी एक्सप्रेस लेफ्ट द स्टेशन, ये एक ऐसा डायलॉग था। तो दोस्तों बस ये शुएब अख्तर के कुछ ऐसे रिकॉर्ड थे जो कि रिकॉर्ड नहीं बल्कि खतरनाक बाउंसर थे जो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिए दोस्तों। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारी वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।